और जब बुरा कार्य करने के लिए आगे चलते हैं और परमात्मा में स्कॉल करते हैं तो फिर हम रुक जाते हैं। जिंदगी में यही फैसला करना है, जिस काम के करने में भय, लज्जा और शंका उत्पन्न हो उस काम को छोड़ दो, बिल्कुल ठीक है ना जी। एक और देवी होती है जिसको पैसों की देवी मान जाती है, रुपयों की देवी, क्या बोलते हैं, हाँ, लक्ष्मी की पूजा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, और सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में। मैं आप लोगों से छोटी छोटी बातें पूछता हूँ, झूठ बोलना अच्छा है या बुरा है? पीछे वालों की आवाज़ कम आ रही है, ठीक है। बड़ों की बातों को मानना अच्छा है या बुरा है? और कोई चोर आकर के कह दे कि चोरी कर लो तो अच्छा है कि बुरा है? इसका मतलब उन बड़ों की बातें माननी है जो अच्छी बातें हैं, ठीक है। अपने गुरुजनों का सम्मान करना ठीक है कि बुरी बात है? अब आगे वाले चुप हो गए, देख लो सभी गुरुजन पीछे बैठे हैं, फिर पता चलेगा कौन कौन क्या क्या बोल रहे थे क्लास में जाने के बाद, है ना। चलो, अपने माँ और पिताजी की सेवा करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात। कौन कौन करते हैं? चलो मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, बहुत अच्छे बच्चे, एक बार अपने लिए तालियां बजाओ सभी बच्चे। सुबह उठने के बाद अपने माताजी और पिताजी के पैरों को हाथ कौन कौन लगाते हैं, वो हाथ खड़ा करो। हाँ, बेटियां जो है वो तो संस्कारों की खान होती हैं, क्यों? आपके हाथ अपने पास रहते होंगे ना, आपके हाथ अपने पास ही रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो क्या करो, ठीक है। पीछे वाले हाथ नीचे कर लेंगे, पीछे तो बहुत अच्छे बच्चे बैठे हैं सभी। जो अपने बड़ों का सम्मान करते हैं उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं, आपको पता है क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। तो जो अपनी आयु बढ़ाना चाहते हैं, विद्या बढ़ाना चाहते हैं, यश और बल बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने बड़ों का सम्मान करना शुरू कर दें। और जो चाहते हैं कि मेरी बदनामी हो, मैं मरियल सा रहूं, मुझे समाज में सब गालियां दें, वो ना करें, ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। चलो दूसरी बात पूछता हूँ, गाय की सेवा सबसे ज़्यादा किस देश में मानी जाती है? पक्की बात है, सबसे ज़्यादा गाय किस देश में काटी जाती है, हैं? सबसे ज़्यादा गाय लिम्पी रोग से अभी मर गई, कोई बोल नहीं रहा। चलो दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, माता निर्माता भवती किस देश में कहा जाता है? नहीं पता, माँ निर्माण करने वाली होती है, किस देश में कहा जाता है? भारत में। और माँ के पेट में बेटियाँ किस देश में मारी जाती हैं? भारत में। पाकिस्तान में तो पांच पांच लड़कियां एक एक परिवार में, ठीक है, पाकिस्तान में कोई लड़कियों को नहीं मारता, पाकिस्तान तो चलो मैं दूसरी बात पूछता हूँ, मेरी इसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दो आप, वैसी वैसी आ रही है आवाज़। सरस्वती की पूजा सबसे ज़्यादा किस देश में होती है, और सबसे ज़्यादा अंगूठा टेक और अनपढ़ किस देश में है? ये भी पाकिस्तान में भारत में है। चलो, धर्म कर्म की बात सबसे ज्यादा किस देश में होती है, और सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर लोग कहां मारे जाते हैं? कहीं तो गड़बड़ है, ठीक है ना जी। एक और देवी होती है जिसको पैसों की देवी मानी जाती है, रुपयों की देवी, क्या बोलते हैं, हाँ, लक्ष्मी की पूजा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, और सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? भारत में 10% लोगों के पास 90% रुपया पैसा इकट्ठा हो रखा है, और जो 90% लोग हैं उनके पास केवल 10% पैसा है। जो बच्चे मोटरसाइकिल पे आते हैं ना, अपने आप को ये मत मानना कि तुम बहुत बड़े अमीर हो, अमीर तो वो हैं जिनकी 39 मंजिला बिल्डिंग है और एक आदमी रहता है, ठीक है ना।
तो आपको लगा ना कहीं विरोधाभास है। हम लोग सरस्वती की पूजा करें तो सबसे ज्यादा अनपढ़ भी यहाँ हैं, जबकि सबसे ज्यादा विद्वान यहाँ होने चाहिए थे। लक्ष्मी की पूजा हम करें और लक्ष्मी मन रहती है अमेरिका पे, यूरोप के देशों में, पैसा वहां सब चला गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं पूजा पद्धति में अंतर है। हम उस माँ की पूजा नहीं करते जिस माँ ने हमें जन्म दिया, हम उस माँ की शिक्षा की बात नहीं करते जिस माँ ने हमारा निर्माण करना है। अभी सुनील जी एक गीत बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सिर्फ नारियों को नहीं, जब देश गुलाम था उस समय पर यह बात प्रचलित कर दी कुछ लोगों ने और तथाकथित विद्वानों ने कि नारी को और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तब महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रमाण देकर के उन तथाकथित विद्वानों को ये समझाने का प्रयास किया कि यथे माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य है, इस वेद के पवित्र मंत्र को, वाणी को बोलने का, सुनने का अधिकार सभी को है, चाहे वो नारी है चाहे वो किसी कुल में पैदा हुआ है। और उन्होंने इस बात को शायद इसलिए कहा था कि माता निर्माता भवती हम कहते हैं, माँ निर्माण करने वाली होती है, माँ बच्चे का सबसे पहला गुरु होती है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं यदि आपके विद्यालय में आपके पीएन को प्रिंसिपल बना करके पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो क्या रिजल्ट अच्छे आएंगे? क्या आपके विद्यालय के बच्चे चंबा और चंबा के बाद हिमाचल को टॉप कर पाएंगे? वो तभी कर पाएंगे जब आपके अध्यापक, जिन्होंने आपको शिक्षा देनी है और जिन जिन विषयों की शिक्षा देनी है, वो उसमें पारंगत पहले स्वयं होंगे और फिर वो आपका निर्माण करने में सक्षम और सफल हो सकेंगे। ये विडंबना थी उस समय देश में। तब महर्षि दयानंद सरस्वती ने इन बहनों की, महिलाओं की वकालत करते हुए कहा था कि इनको भी वेद पढ़ने का अधिकार है। और वो इसलिए है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद 5 वर्ष तक माँ के पास प्रशिक्षण प्राप्त करता है, फिर उसके बाद पिता जो है समाज के संबंधों के बारे में सिखाता है, और 8, 10 और 12 साल का विद्यार्थी गुरुकुल में चला जाता है जहाँ पर आचार्य उसको शिक्षा देता है और राष्ट्र के लिए समर्पित करने की बात करता है। गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी या आपकी तरह से दयानंद मठ या ऐसी संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में और दूसरे विद्यार्थियों में थोड़ा सा अंतर होता है। उस अंतर को यदि मैं समझाने की बात कहूँ तो कहीं ना कहीं आपके कार्यक्रमों में कोई विद्वान शामिल होते रहते हैं, सन्यासी शामिल होते रहते हैं या उपदेशक शामिल होते रहते हैं। किसी अध्यापक ने अपने बच्चों को एक सिद्धांत समझाने के लिए कुछ बातें कही और उन्होंने कहा कि मैं मिट्टी का मुर्गा आपको दे रहा हूँ, इस मुर्गे की गर्दन तोड़ करके आपको लेकर के आनी है, पर ये ध्यान रखना कि कोई देख ना रहा हो। यदि मैं आपसे ये प्रश्न करूँ तो आप भी कहोगे कि हम तो इस काम को 1 मिनट में कर देंगे, कर सकते हैं ना? ठीक है। यदि मैं आपको कहूँ कि 5 विद्यार्थी जाएं और इसकी गर्दन को तोड़ करके लेके आएं पर कोई देखने वाला ना हो, कुछ विद्यार्थी तो नहीं करेंगे क्योंकि सामने अध्यापक बैठे हैं, दूसरा विद्यार्थी थोड़ा सा छुप करके जाने का प्रयास करेगा तो वो भी नहीं कर पाएगा क्योंकि CCTV कैमरे लगे हुए हैं, पर एक व्यक्ति चोरी से छुपके से ऑफिस में चला गया, उसको पता कि ऑफिस में CCTV कैमरा नहीं है, अंदर बैठ करके गर्दन तोड़ करके ले आएंगे, यही होगा ना? पर एक विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थियों में मिला जिसने कहा जी कि मैं नहीं तोड़ सका। जब उससे पूछा गया कि आपने क्यों नहीं तोड़ा है तो आपके पास तो कोई था नहीं, आप कहाँ गए थे? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल एकांत में चला गया, ऑफिस में बैठ करके मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और जब मैं गर्दन तोड़ने लगा तो मुझे उस सन्यासी की बात याद आई जिन्होंने कहा था कि परमात्मा सब कुछ देख रहा है, कि मैं इसकी गर्दन तो तोड़ देता, मुझे अध्यापक भी नहीं देख रहे थे, CCTV कैमरा भी नहीं था, मेरे मित्र भी नहीं थे, परंतु परमात्मा मेरी एक एक चीज को देख रहा था। और मुझे लगा कि जब परमात्मा ही मेरे इस कार्य को देख रहा है तो मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। और उन्होंने अपने गुरुजी के पास आकर के वो मुर्गा वापस ला करके दे दिया और गुरुजी ने फिर उसको सम्मानित किया कि जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को जानता है, हम देखते हैं ना यहाँ भी लिखा होगा आप CCTV कैमरे की नज़र में हैं इसलिए मुस्कुराते रहें, और मैं यदि कहूँ कि परमात्मा का CCTV कैमरा 24 घंटे आपके साथ रहता तो फिर मुस्कुराते रहो, आधे लोग मुरझा जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में शरारतें चलती रहती हैं। सही है कि गलत है? सही है ना? तो आगे से कुछ भी गलत करने से पहले, वैसे तो मुझे पता आप बहुत अच्छे बच्चों, किसी की किताबें भी नहीं उठाते है ना, चीटिंग भी नहीं करते, किसी का पेन भी नहीं उठाते, पैसे तो दूर की बात है, पैसे तो लेके नहीं आते, तुम यहीं से आते हो चंबा से मुझे पता है, ये लेके आते हो,
बताना मत, नहीं तो फिर तो ऐसी इन बातों से हमें इसलिए भी बच करके रहना है, आपका हर अच्छा और बुरा कार्य परमात्मा देख रहे हैं। और परमात्मा के यहाँ ये नहीं है, एक अध्यापक ने बच्चों से पूछ लिया, जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ, 10 गधों में से 4 गाय घटा दो कितने बचे? 10 गधे और गाय कितनी बची? 4। इसी तरह से यदि मैं आप लोगों से पूछने लगूं कि 10 अच्छे कर्मों में से 6 बुरे कर्म घटा दो तो कितने बचे? अच्छा, यहाँ सिद्धांत आ गया आपका। परमात्मा के यहाँ ये जमा घटा ये जोड़ नहीं चलता, ये सिद्धांत नहीं चलता। वहाँ हर अच्छे कार्य का फल अच्छा मिलता है और हर बुरे कार्य का बुरा मिलता है। तो आप ये निश्चित करके चलें, जितने अच्छे करोगे उनका फल अच्छा मिलेगा और जितने बुरे करोगे उनका फल बुरा मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हर शुभ और अशुभ कर्म का फल हमें परमात्मा निश्चित तौर पर देंगे। कुछ फल तो तुरंत मिल जाते हैं और कुछ फल बाद में मिलते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 1 साल लगेगी आपको और फिर आप पास हो जाओगे। आज कार्यक्रम में आए हैं आपके लिए, आज तो नहीं, कल जो है बढ़िया वाला खाना बनाएंगे यहाँ, और खाना भी 15-20 प्रकार का होता है ना, उसको खाएंगे तो भूख तुरंत शांत हो जाएगी। ठीक है, आपके जीवन में जो आपको लगता है परमात्मा हमें मिस कॉल मारते हैं, आपको पता है? अच्छा एक बात बताओ, आपके पास कोई कॉल कर दे आपको, आपका आपने उसका नंबर सेव कर रखा है और उसका नंबर आ जाए, आपको बात नहीं करनी उससे, तो फ़ोन काट देते हैं ना। और यदि वही व्यक्ति किसी दूसरे का नंबर लेकर के, जिसका नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं, और वो मिस कॉल मार के छोड़ दे, फ़ोन ना करे पूरा, तो आप कॉल करते हो कि नहीं करते हो? परमात्मा मिस कॉल मारते हैं, आप उस पर ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? अब आप कहोगे जी परमात्मा कौन सा जियो का नंबर ले रखा है कि वो कॉल करेंगे, है ना। परंतु परमात्मा मिस कॉल करते हैं, जब हम अच्छा काम करते हैं तब भी मिस कॉल करते हैं। मिस का मतलब क्या होता है? याद करना ना, परमात्मा याद करते हैं आपको। उस समय जब हम अच्छा काम करने के लिए चलते हैं तो उत्साह बढ़ जाता है, चाव हो जाता है, उमंग आ जाती है कि नहीं करना चाहिए। और परम ये तीनों की तीनों चीज़ें परमात्मा की मिस कॉल हैं, वो प्रेरित करने के लिए, अच्छे काम के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको लगा कि कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम में हमें मदद करनी चाहिए, यहाँ कुछ कूड़ा करकट पड़ा है रास्ते में तो उसको साइड में कर देना चाहिए, है ना, बेंचों को व्यवस्थित रखना चाहिए, गुरुजनों को आकर के नमस्ते करने चाहिए, तो चाव चढ़ जाता है ना। कुछ बच्चों की जिम्मेवारी लगी कि आप समीधा डालेंगे, आप घी डालेंगे, आप सामग्री वहाँ से लेकर के आएंगे, तो चाव चढ़ जाता है कि नहीं, इस काम को मुझे करना है। और यदि आप यहीं से बैठे बैठे अपने मन में अभी सोचना, अभी परमात्मा मिस कॉल मारेंगे आपको कि किसी की चोरी करनी है, तो दिमाग में क्या आएगा? नहीं, ये नहीं करना चाहिए। माता जी को पता चल गया तो, आचार्य जी को पता चल गया तो, या प्रिंसिपल साहब को पता चल गया तो ठीक नहीं है। आप किसी के बारे में बुरे विचार लेकर के आएंगे दिमाग में, तुरंत एक मिनट में आएगा कि नहीं, घर वालों को पता चल गया तो गलत हो जाएगा, समाज को पता चल गया तो गलत हो जाएगा। पर जब हम परमात्मा की इस मिस कॉल को समझते हैं, तो जब अच्छा कार्य करते हैं तो उसको करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और जब बुरा कार्य करने के लिए आगे चलते हैं और परमात्मा मिस कॉल करते हैं तो फिर हम रुक जाते हैं। जिंदगी में यही फैसला करना है, जिस काम के करने में भय, लज्जा और शंका उत्पन्न हो उस काम को छोड़ दो, बिल्कुल भी मत करो। और जिस काम के करने में आपको उमंग आ जाए, उत्साह बढ़ जाए, उस काम को करने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, करेंगे इतना कुछ है? नहीं करेंगे, पक्की बात है? एक बार फिर ताली बजाओ अपने लिए। अच्छा बच्चा बनने के लिए सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? अच्छा बच्चा बनने के लिए पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अच्छा बच्चा बनने के लिए मांस खाना चाहिए कि ठीक ठाक रोटी खानी चाहिए? देख लेना कौन कौन ठीक बोल रहे हैं, अभी कुछ गड़बड़ है छोटी मोटी? नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं ध्यान मठ चंबा के, कोई भी बच्चा मांसाहार नहीं करता, ये बहुत खुशी की बात है। इससे बच करके रहना है, क्योंकि हम प्राणी मात्र के कल्याण की बात करते हैं। आर्य समाज का जो 6ठा नियम है, संसार का उपकार करना, इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। जब हम एक उद्देश्य लेकर के चलते हैं तो उसी के अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सामने लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसी के अनुरूप तैयारी करते हैं।
यदि आपके सामने लक्ष्य है कि संसार का उपकार करना है तो ये नहीं हो सकता कि आप किसी जीव की हत्या करें। अभी चीते लेके आए ना मोदी जी, तो कई लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर एक चीता एक बंदरिया को गर्दन से पकड़ रखा है और उसका छोटा सा बच्चा उससे लिपटा हुआ रो रहा है, आपने देखी वो वीडियो। तो लिखने वाले ने ये लिखा कि ठीक है आपको अपनी भूख शांत करनी थी, पर इस छोटे से बच्चे की क्या गलती थी, इसकी तो माँ चली गई, आपकी भूख शांत हो गई पर इसकी माँ चली गई। जब कोई भी व्यक्ति मांस के लिए छोटे से गाय के बछड़े को मारता है या किसी दूसरे जीव की हत्या कर रहा है तो उसकी माँ या उसका बेटा वो तो चले गए ना, उनका भी अपना परिवार है, तो उसकी भी चिंता हमें करनी है, क्योंकि हम सत्य में अहिंसा में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम एक ऐसी सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग हैं जो किसी का मन वचन और कर्म किसी से भी बुरा नहीं करता। वो मारना तो दूर की बात, मारने के बारे में सोचता भी नहीं है, तो इसलिए हमें शाकाहार की तरफ बढ़ना है और मांसाहार से दूर रहना है, है ना। कोई भी व्यक्ति जब मांसाहार करता दिखे तो उसको ये ज़रूर बताना है कि आप किसी की माँ को खा रहे हैं, आप किसी के बेटे को खा रहे हैं, और यदि आप किसी के परिवार को बर्बाद करोगे तो आपका परिवार कभी आबाद नहीं हो सकता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि नहीं रखना है। हम ऋषि दयानंद की बात कर रहे थे, मैं दो तीन प्रश्न और छोटे छोटे आप लोगों से पूछता हूँ। आचार्य जी जब समय हो जाए बता देना, क्योंकि मेरे वाला जो घड़ी वो बंद है, सामने वाली वो इसी टाइम पे है, मैं देख दो तीन बार देखा वो पक्की है, वहीं पे रुकी हुई है। अगर ये हरियाणा में होती तो कहते कि मर्द की जुबान नहीं बदलती, इसलिए वो पक्के थे, ये पीछे है। तीन मिनट, चलो तीन मिनट में छह प्रश्न पूछते हैं, कौन बनेगा करोड़पति से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछ लेते हैं। चलो, शहीद आजम भगत सिंह का नाम किसने सुना है, हाँ या ना बोलेंगे, सुना है कि नहीं सुना है? बहुत बढ़िया। उनका परिवार किस संगठन से संबंध रखता है, ये सुना है कि नहीं सुना है? आर्य समाज से, बिल्कुल, इन्होंने कहा आर्य समाज से, पीछे भी आवाज आ रही आर्य समाज से। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यज्ञोपवीत दिया था, जनेऊ जिसको बोलते हैं ना, वो भगत सिंह के दादाजी को दिया था। चलो मैं दूसरा नाम पूछ लेता हूँ आपसे, श्याम जी कृष्ण वर्मा को जानते हैं? नहीं जानते। श्याम जी कृष्ण वर्मा एक ऐसी शख्सियत थे जो संस्कृत के प्रोफेसर थे, विद्वान थे, जिनको महर्षि दयानंद सरस्वती ने लंदन भेजा, और वहाँ जाकर के 1905 में उन्होंने इंडिया हाउस और 1907 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जहाँ पर बैठ कर के सारे क्रांतिकारी जो है शिक्षा लेते थे, और जो भारत से बाहर गए थे खास करके बड़े परिवारों के बच्चे जो पढ़ने के लिए गए थे उनको टारगेट करके कि इन सबको आज़ादी के आंदोलन से जोड़ना है, इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने श्याम जी कृष्ण वर्मा को लंदन भेजा था, और वो उन्हीं श्याम जी कृष्ण वर्मा की प्रेरणा से सैकड़ों की संख्या में नौजवान क्रांतिकारी थे जो देश की आज़ादी के आंदोलन में लगे। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के गुरु कौन हुए? स्वामी दयानंद सरस्वती। एक बच्चे ने पीछे जोर से बताया, उसके लिए एक बार फिर तालियां बजाओ, एक मिनट की बात करके खत्म करता हूं। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किसी ने सुना है? उनके गुरु का नाम बताओ, महर्षि दयानंद सरस्वती, वो भी आर्य समाज मंदिर शाहजहाँपुर में रहते थे। चलो ठीक, दूसरा मैं प्रश्न पूछता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलो, सबसे पहले गुरुकुल परंपरा को किसने पुनर्स्थापित किया, दोबारा से गुरुकुलों की स्थापना जब हुई उसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। किसने? स्वामी श्रद्धानंद जी। उनके गुरु कौन थे? चलो, डीएवी की स्थापना किसने की थी? तुम्हारे 50% नंबर ही बचते हैं, 50% फेल हो चुके, आप लोग देख लेना, बताओ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं की थी, किन्हीं ने बताया पीछे से? महात्मा हंसराज जी। और उनके गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। मैं मोटा मोटा आपको यही बताना चाह रहा हूँ, आज़ादी के आंदोलन में जिन लोगों का योगदान है, जिन्होंने आज़ादी का आंदोलन लड़ा, उन सबकी प्रेरणा कौन थे? महर्षि दयानंद सरस्वती। यदि आज के समय में कोई राजनेता अहंकार में भर के स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम ना लेना चाहे,
आर्य समाज का नाम ना लेना चाहे तो भले ही ना ले, परंतु जो अपने बुजुर्गों के अपने बड़ों के सम्मान को भूल जाता है, उनके कार्यों को भूल जाता है, वो कृतघ्न व्यक्ति होता है, और कृतघ्न व्यक्ति कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता है। तो हमारे ऊपर किनका कर्ज है? उन बलिदानियों का जिनकी वजह से हम आज़ाद हुए हैं, उन लाखों बलिदानियों का जिन्होंने अपने आप को देश की आज़ादी के ऊपर आहूत कर दिया, उन हजारों माओं का जिन्होंने अपने आप को इस के लिए तैयार किया कि हमें भी आज़ादी के आंदोलन में जाना है, और अपने नौजवान बेटों को आज़ादी की बलिवेदी पर आहूत होने के लिए प्रेरणा दी। ठीक है, तो तुमसे कोई भी व्यक्ति पूछे, एक सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, कि देश को किसने आज़ाद करवाया, तो ये दिमाग में बात रखनी है, महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके अनुयायियों ने देश की आज़ादी के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश की आज़ादी के आंदोलन में चाहे किसी ने जय के नारे भी लगाए हों, वो भी हमारे लिए सम्माननीय है। हम किसी की तुलना नहीं करते कि गांधी जी का रोल कम है या शहीद आजम भगत सिंह जी का कम है, नहीं, जिनका जितना भी योगदान रहा है वो इतने ही हमारे लिए सम्माननीय है और होने भी चाहिए, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं इस अवसर पर बोला, आप सब ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। आपका ये विद्यालय इसी प्रकार से तरक्की उन्नति करता रहे, और स्वामी सुमेधानंद जी के कार्यकाल